आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। ये हमारा पार्ट फाइव वीडियो है और पार्ट फाइव वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। देखिए, कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं, तो वैसा फंक्शन जिसमें एक से अधिक फलन हो। क्या हो? एक से अधिक। जैसे कि देख दीजिए, ये लिखा है आपको कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस एक फलन, ये देखिए दो फलन, दो फंक्शन आ गया। तो इस प्रकार के फंक्शन क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन। या फिर ऐसे बोलेंगे कि साइन कॉस एक्स, ये भी क्या हुआ, कंपोजिट फंक्शन हुआ। तो जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन आता है तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बाबू, तो बनाएंगे तो किससे, तो हम बनाएंगे इसको चैन रूल से। किससे बनाएंगे, तो चैन रूल से बनाएंगे। तो चैन रूल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। चैन रूल क्या होता है, देखिए सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आपका एक एग्जांपल हम लिए हैं, एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बोलो या फिर वाई बोलो, एक ही बात हुआ, यानी कि वाई बराबर हम लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे कि डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स डी साइन एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए चैन क्या होता है, पहले त्रिकोणमितीय, पहले किसका होगा, मैंने साइन का होगा, फिर इसके कोण का होगा। तो यहाँ पे इसका साइन का हो गया, बच गया कोण का, तो कोण को हम नीचे लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं फॉर्मूला के, तो क्या होता है साइन का, तो कॉस एक्स स्क्वायर। अब बताइए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स बराबर एन एक्स के पावर एन माइनस वन, यही ना होता है। तो यहाँ पावर टू है तो हम इसको टू लिखेंगे और एक्स, और दो में से एक जाएगा तो कोई बात नहीं, उतना ही तक हम लिख के छोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एक दो और, ठीक है। तो देखिए अगला एग्जाम्पल ये है, जैसे कि मान ले दे दिया लेट वाई इक्वल टू टेन टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो डिफरेंशिएशन डब्ल्यू आर टी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स डी टेन टू एक्स प्लस थ्री और बटा। अब देखिए अभी बताया त्रिकोणमिति फंक्शन है, तो पहले इसका त्रिकोणमिति का फिर इसके कोण का, तो कोण नीचे को नीचे लिखेंगे 2x प्लस थ्री और मल्टीप्लाई देगा फिर 2x प्लस थ्री, अब बटा में क्या हो जाएगा dx, यानी कि dy बटा dx बराबर tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर 2x प्लस थ्री, कोण बन जाएगा। अब देखिए और 2x प्लस थ्री यानी 2x का बताया है कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल आता है, तो क्या हो जाएगा केवल कॉन्स्टेंट, यानी x का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि हो जाएगा dy बटा dx बराबर केवल दो बच जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। तो हमें उम्मीद होगा कि अब आपको कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आप इसको भी बना सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए, इसको भी आपको बता देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे y बराबर sin cos एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ट्रिक से बना देते हैं, एक लाइन में आंसर, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया ना तो आप एक लाइन बना दीजिएगा। देखिए क्या करना है आपको, लिखना है डिफरेंशिएशन डब्ल्यू आर टी एक्स इतना। अब देखिए क्या करना है, इसको लिखना है डी वाई बटा डी एक्स। हम बताए हैं चैन रूल में क्या बनता है, पहले साइन का फिर कॉस का फिर एक्स स्क्वायर का। तो साइन का डिफरेंशिएशन देखिए, साइन हुआ इसके साइन का ये कोण है टोटल, तो बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस, और इसको हम कोण को वैसे के वैसे लिख देंगे, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आया कि साइन का हो गया कॉस। अब देखिए कॉस, अब साइन का हो गया तो हो गया, अब इस बात कॉस का करेंगे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन और एक्स स्क्वायर इसका ये कोण हो गया। अब देखिए साइन का हो गया कॉस का हो गया, बचा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू टू एक्स होगा कि नहीं। चलिए तो अब ये आंसर आपका हो जाएगा एक लाइन में, कि आप इसको लिख लीजिए पहले माइनस टू एक्स फिर हो जाएगा साइन
एक्स स्क्वायर, फिर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया ना, तो आप एक लाइन में कितना हो से बड़ा आप डिफरेंसेस बना सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। तो आइए अगला रूल हम लोग देखेंगे, देखते हैं। देखिए तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल देखिए, प्रोडक्ट रूल जैसे कि y बराबर आपको दे देगा u इंटू v, ठीक है, u इंटू v, तो इसमें क्या होता है बाबू आपको लिखना है डिफरेंशिएशन w r t, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy बटा dx डी यू इंटू वी बटा dx, dy बटा dx। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, आपको दो फंक्शन दिया रहेगा तो बाबू इसको हम किसी को कॉन्स्टेंट कर सकते, पहले को चाहे दूसरे को किसी कर लो, तो हम करते हैं दूसरे वाले करते हैं, यानी कि दूसरा वाला कॉन्स्टेंट पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस पहले वाला कॉन्स्टेंट और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। यानी कि देखिए एक बार हम दूसरे को कॉन्स्टेंट कर दिए, पहले का डिफरेंशिएशन हो गया है, और जिसका डिफरेंस उसको कॉन्स्टेंट कर दे, जिसका नहीं हुआ उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये मेरा आ गया एक फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, वाई बराबर आपको दिया होगा यहाँ पे ई के पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, ई के पावर एक्स साइन एक्स एक्सपोनेंशियल ही त्रिकोणमिति है, दो फलन हुआ ई यू टू में, तो इसको हम यू मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, ठीक है, बात अच्छे से समझ लीजिए, इसको यू मान लिए इसको भी मान लिए, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डब्ल्यू आर टी एक्स यानी कि dy बटा dx, ठीक है, d e के पावर x साइन x और बटा dx, ठीक है। अब बताइए आप किसी को कांस्टेंट कर सकते हैं, हम बताए हैं, हम चलिए हम साइन x को कांस्टेंट करते हैं, साइन x को कांस्टेंट करेंगे, e के पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे आप प्लस, अब देखिए अब e के पावर x का डिफरेंशिएट हो गया है तो e के पावर x को कांस्टेंट कर देंगे, अब डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो साइन x का, तो हम साइन x का डिफरेंशिएट करते हैं बट्टा में dx, तो अब बताइए साइन x रह जाएगा ना, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, प्लस e के पावर x कांस्टेंट और साइन का क्या हो जाएगा cos x, अब बताइए इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा e के पावर x, तो यहाँ बच जाएगा आपका साइन x और प्लस cos x, यही क्या होगा आपको आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आपको हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे देखते हैं मैं क्या होता है, जैसे कि y बराबर आपको दे देगा u बटा v, ठीक है, u बटा v, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए w r t x यानी कि ये हो जाएगा dy बटा dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि नीचे वाला कॉन्स्टेंट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से आप बना सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए ताकि अच्छा समझ में आ जाए, जैसे कि आपको दिया रहेगा लॉग एक्स बटा एक्स, ठीक है, तो लॉग एक्स बटा एक्स, इसको हम यू मान लेते हैं इसको हम भी मान लेते हैं, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो w r t x, तो dy बटा dx d log x बटा में dx। चलिए क्या करेंगे, नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए x का x log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और ये log x का log x और x का क्या हो जाएगा 1 और टोटल का x स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो गया तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 minus log x बटा में x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम इस तरह से हम डिवाइड रूल से बनाएंगे, ठीक है। तो हमें हमें उम्मीद होगा कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे वाला अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.2 का एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।